वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिल्मी माइंस में। तो लीजिए दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए हॉलीवुड की 7 बेहतरीन मूवीज लेकर आ गया हूँ और ये सारी की सारी मूवीज आपको यूट्यूब पर हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। और ये मूवीज बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, जिन्हें आपने शायद पहले नहीं देखा होगा। लेकिन दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में कौन कौन सी मूवी शामिल है और इनमें से आपके लिए कौन सी मूवी बेस्ट रहेगी, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिए कि ये मूवीज यूट्यूब पर अनऑफिशियली अपलोड की जाती है, जिस वजह से ये मूवीज यूट्यूब से कभी भी रिमूव हो सकती है। लेकिन अगर इनमें से कोई मूवी आपके देखने से पहले ही रिमूव हो जाती है तो आप उसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए ऐसे बेहतरीन मूवीज लाने का मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिस्ट में 7 नंबर पर आती है 2020 में एक्शन क्राइम पर बेस्ट मूवी स्पेंसर कॉन्फिडेंशियल। वहीं इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 6.2 की रेटिंग दी गई है। और इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी स्पेंसर नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे अपने कुछ सीनियर्स पर हाथ उठाने की वजह से उसे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है दोस्तों, जिस दिन वो जेल से निकलता है, क्योंकि उसी दिन उस पुलिस ऑफिसर का मर्डर हो जाता है जिसे स्पेंसर ने मारा था, जिसकी वजह से इसका पूरा शक स्पेंसर पर जाता है, जिसके बाद स्पेंसर असली कातिलों का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये करने में वो कामयाब हो पाता या फिर नहीं, ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। लिस्ट में 6 नंबर पर आती है 2016 में वॉर एक्शन पर बेस्ट मूवी ऑपरेशन क्रोमाइट। वहीं इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 6.2 की रेटिंग दी गई है। और ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहां आपको स्टोरी देखने को मिलेगी 1950 की, जिसमें कुछ साउथ कोरियन सोल्जर्स को एक सीक्रेट मिशन पर भेजा जाता है और इस मिशन का नाम होता है ऑपरेशन क्रोमाइट। लेकिन दोस्तों, ये मिशन क्या होने वाला है और आगे मूवी में क्या होता है, ये सब जानने के लिए तो आपको इस मूवी को देखना चाहिए। मूवी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है और खासकर अगर आप लोग को वॉर एक्शन वाली मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। Initiate Operation Chromite. लिस्ट में 5 नंबर पर आती है 2011 में एक्शन साईफाई पर बेस्ट मूवी सेक्टर 7। वहीं इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 4.6 की रेटिंग दी गई है। और इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी जीजू आइलैंड की, जहां पर कुछ ऑयल वर्कर समुद्र की गहराई में काम कर रहे होते हैं। लेकिन उन सभी की जान खतरे में तब पड़ जाती है जब उनकी शिप पर एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर आ जाता है, जिसके बाद अब वो लोग अपने आप को कैसे बचाते हैं, ये सब जानने के लिए तो आपको इस मूवी को देखना चाहिए। मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। लिस्ट में 4 नंबर पर आती है 2015 में फैमिली एडवेंचर पर बेस्ट मूवी होम। वहीं इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 6.6 की शानदार रेटिंग दी गई है। और इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी एक एलियन की, जो कि गलती से अर्थ पर आ जाता है और अर्थ पर उसकी मुलाकात होती है एक छोटी लड़की से, जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद वो उस एलियन की मदद से अपनी मदर को ढूंढने की कोशिश करती है। अब इसके बाद की स्टोरी क्या होती है, ये सब जानने के लिए तो आपको इस मूवी को देखना चाहिए। तो अगर आप लोगों को एनिमेशन वाली मूवी देखना पसंद है तो एक बार इस मूवी को जरूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लिस्ट में 3 नंबर पर आती है 2011 में रोमांस कॉमेडी पर बेस्ट मूवी टेक मी होम टुनाइट। वहीं इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 6.3 की शानदार रेटिंग दी गई है। और इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी मैट की, जो कि एक एमआईटी ग्रेजुएट होता है और वो एक सिंपल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन तभी उसे एक दिन एक पार्टी का इन्विटेशन मिलता है, जहां पर उसकी मुलाकात हो जाती है उसके स्कूल क्रश से, जिसके बाद उसकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाता है। ऐसे में आगे उसके साथ क्या कुछ होता है, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। तो अगर आप एक बेहतरीन रोमांस कॉमेडी वाली मूवी देखना पसंद करते हैं तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट होने वाली है। लिस्ट में 2nd नंबर पर आती है 2004 में थ्रिलर एक्शन पर बेस्ट मूवी सेलुलर। वहीं इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 6.5 की शानदार रेटिंग दी गई है। और इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी रियान की, जिसकी लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है। लेकिन तभी उसे एक दिन एक लेडी का फोन कॉल आता है, जिसमें वो लेडी उसे बताती है कि किसी ने उसका किडनैप कर लिया है। लेकिन वो लेडी उसे ज्यादा कुछ नहीं बता पाती और उसका फोन डेड हो जाता है। वैसे में रियान उस लेडी को बचाने के लिए क्या कुछ करता है, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। I just answered my phone.
लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर आती है 2017 में थ्रिलर सीरीज माइंड हंटर। वहीं सीरीज को आईएमडीबी की तरफ से 8.6 की शानदार रेटिंग दी गई है और इस सीरीज के अभी तक टोटल 19 एपिसोड्स आ चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट सीजन यानी 10 एपिसोड अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया है। और अगर बात करें इस सीरीज की स्टोरी के बारे में, तो ये सीरीज बेस्ड है एक सीरियल किलर के ऊपर जो कि शहर में काफी सारे मर्डर्स कर रहा होता है और साथ ही साथ पीछे कुछ क्लू भी छोड़ जाता है। तब ऐसे में हमें इस सीरीज में यही देखना कि क्या एफबीआई उस सीरियल किलर को पकड़ पाती है या फिर नहीं। तो सीरीज बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली, और अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और बेहतरीन मूवीज के साथ।